एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो जल्दी से थोड़ा सा अपने इस चैनल के बारे में बता दूं, मैं आप लोगों के लिए स्किन केयर और हेयर केयर की टिप्स लेके आती हूं हफ्ते में 3 बार। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो मैं अपने बालों पर इतने सालों से लगाती आई हूँ और उसी की वजह से मेरे बाल अब तक काफ़ी अच्छे हैं, लंबे हैं, घने हैं और काफ़ी हद तक काले भी हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन सब रेमेडीज़ के बारे में जानना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी नए वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए क्या स्पेशल लेके आई हूँ। जी, तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हमेशा आसान सी चीज़ें लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग वो चीज़ें मुश्किल होंगी तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, उन रेमेडीज़ का इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि बाल आपके काफ़ी अच्छे, लंबे, घने और मज़बूत हो गए हैं और काफ़ी हद तक काले भी। तो आज की इस रेमेडी में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है चाय की पत्ती। अब आप कहेंगे कि चाय की पत्ती में क्या नया, ये तो बहुत सारे लोग बताते हैं। तो जी, थोड़ा सा सब्र रखिए, कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैंने चाय की पत्ती में इस्तेमाल की हैं और जिससे न सिर्फ बालों का रंग अच्छा होगा, बेहतर होगा, उनमें चमक आएगी, शाइनिंग भी आएगी और बाल जड़ों से मज़बूत भी हो जाएंगे। तो चाय की पत्ती हमारा मेन इंग्रेडिएंट है और बाकी सब चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी चाय की पत्ती। तो उन सब चीज़ों की जानकारी भी मैं आगे दूंगी। तो पहले देख लेते हैं कि चाय की पत्ती को कैसे इस्तेमाल करना है। तो बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सभी बहुत ही आसान है। और चाय की पत्ती के बारे में तो आपको पता ही है कि काली जो चाय की पत्ती है उसमें कितने गुण होते हैं, बहुत सारे खनिज हैं और बहुत सारे उसमें पोषक तत्व होते हैं, जिसको अगर आप ब्लैक टी की तरह पिए सुबह तो आपको शरीर में भी उसको स्फूर्ति मिलती है और शरीर में भी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरी है चाय की पत्ती और इसमें जो कैफीन होता है वो आपके बालों के लिए बेहद उपयोगी होता है। तो करना कुछ नहीं है, एक पतीले में 1.5 कप पानी डालिए और उसमें जो भी चाय की पत्ती आप इस्तेमाल करते हैं घर में उसके 2 चम्मच डाल देने हैं और उसे उबलने रख देना है। और साथ में ही हम उसमें 4 तेज पत्ते के डालेंगे, जिसको इंग्लिश में बे लीव्स बोलते हैं, वो भी उसमें डाल देंगे, क्योंकि बे लीव्स भी बालों के लिए बेहद उपयोगी होता है। तो अब उन दोनों को उबलने रख देंगे और जब वो आधा रह जाएगा तो बस उसे ठंडा होने दीजिए और छान के उसको 1 कप में निकाल लीजिए। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगी, तो दूसरी चीज़ है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी भी बेहतरीन होती है बालों के लिए, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बालों को डिटैंगल करती है, स्मूथ बनाती है, सिल्की बनाती है और शाइनी बनाती है। और इसके अलावा उसमें भी कैफीन होता है और जिससे बालों की जो रंगत है वो और अच्छी हो जाती है, गहरी हो जाती है। तो बहुत से लोग हैं जो मेहंदी में कॉफ़ी का पाउडर अक्सर मिलाते हैं बालों को के रंग को और ज़्यादा गहरा करने के लिए। तो हमारी इस रेमेडी में कॉफ़ी का इस्तेमाल किया गया है। तो बस 1/2 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी मिलाइए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कॉफ़ी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी, और बस उसको मिक्स कीजिए। तो इसका उपयोग भी हम करने वाले हैं। अब ये दोनों चीज़ें तो हो गई, कॉफ़ी और चाय, जो हम सभी को अपने ब्रेकफास्ट में चुस्ती और सफुर्ती देती है। इसके अलावा और क्या इस्तेमाल किया गया है,
तो इसके अलावा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बहुत बार कॉफ़ी और चाय की पत्ती से बाल थोड़े ड्राई भी हो सकते हैं, रूखे भी हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल, क्योंकि हमें 20 मिनट लगा के भी रखना है उसको, तो इसलिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल हम कर लेंगे, ताकि जो कोकोनट के बेनिफिट्स भी हमें मिले रहे और जो हमारी स्कैल्प है वो ड्राई ना हो जाए। और उसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा। अब एलोवेरा के गुणों को कौन नहीं जानता, सब अच्छे से जानते हैं कि कितनी स्कैल्प के लिए एक बेहतरीन कंडीशनर का काम करता है, डीप कंडीशनर का काम करता है, त्वचा को नरम रखता है, बालों को नमी देता है, तो एलोवेरा के तो आपको गुण मालूम ही होंगे। तो एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है, और अगर आपके पास ताज़ा पत्ता हो तो उसको तोड़ लीजिए, उसका पल्प निकाल लीजिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप रेडीमेड जो एलोवेरा जेल मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, एक जान हो जाए, और उसके बाद ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है, रिंस तैयार हुआ है, उसको हम बालों में लगाएंगे। और बाल कोशिश कीजिए कि साफ़ हो, क्योंकि जब बाल हमारे साफ़ होते हैं और उस पर हम कोई रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा और ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो अंदर तक, डीप अंदर तक चला जाता है बालों के। तो आप कोशिश कीजिए कि बाल साफ़ सुथरे हो और उस पर ये मास्क हम लगा लेंगे, और इसको कम से कम आधा घंटा लगा रहने दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, और बस आधा घंटा लगा रहने दीजिए, और उसके बाद आप साफ़ पानी से पहले इसको निकाल लीजिए, और उसके बाद एक कोई भी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है, कोकोनट ऑयल, उसकी वजह से बालों में चिकनाई रह जाती है, और अगर आप नहीं चाहते बाल आपके चिपचिपे दिखे, क्योंकि ऑयल है वो खाली पानी से नहीं निकल पाता, तो इसलिए कोई भी शैम्पू, माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और अगर आपको चलता है कि वो ऑयल थोड़ा सा रह जाए तो आप वैसे भी उसको रख सकते हैं, तो पूरा आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो शैम्पू करके उसको निकाल दीजिए, हल्का सा शैम्पू कर लीजिए, माइल्ड शैम्पू, ताकि तेल की जो चिपचिपाहट होती है वो ना रहे, और बस फिर देखिए अब बाल क्या सुंदर, शानदार एकदम। तो इतनी इजी सी रेमेडी है, और बस हफ्ते में दो ही बार इस्तेमाल कीजिए, बहुत बार इस्तेमाल नहीं करना है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बालों का रंग चेंज होने लगा है उनमें। और अगर ग्रे बालों से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल रेगुलर कीजिए, कुछ महीने तक करके देखिए, और बालों के कलर में डेफिनेटली बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, बालों का रंग और गहरा हो जाएगा। तो बस इतना इजी सा है ये, इस मास्क को बनाना और लगाना, और आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे बालों को कोई नुकसान हो। तब भी आप इसका एक पैच टेस्ट करके हमेशा देख लिया कीजिए, ताकि अगर आपको किसी चीज़ की कोई एलर्जी है तो उससे आपको नुकसान ना हो। तो बस ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।